बीजेपी लगातार ये वार कर रही थी कि ये विपक्षी एकजुटता कभी नहीं हो सकती। नीतीश कुमार हैं जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम को सफल बनाने में लगे। लालू यादव जो सबसे बीच में हैं और नीतीश कुमार की मुहिम जो है वो अब जो है सफल दिखते नजर आए। 23 जून की विपक्षी एकजुटता से पहले बिहार में पोस्टर वार जारी हो गया है। जगह जगह बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं और विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है वो जो है कहीं ना कहीं सफल होते दिख रही है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से लगातार विपक्षी एकजुटता की मुहिम में लगे हुए थे और बीजेपी लगातार ये वार कर रही थी कि ये विपक्षी एकजुटता कभी नहीं हो सकती है। लेकिन देखिए, एक पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस के तरफ से और पोस्टर में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनको जगह दी गई है, क्योंकि कहा यह जाता है कि जो राज्य में जो नेता हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, अपने राज्य में जो जगह नहीं देते थे कांग्रेस को, कांग्रेस ने अपने पोस्टर में जगह दी है। देखिए, ये पोस्टर लगा हुआ है और पोस्टर में तमाम विपक्ष के नेता हैं। सबसे पहले वो हम नाम बता देते हैं कि सोनिया गांधी एक तरफ दिखाई दे रहा होगा, वहीं दूसरी तरफ जो है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो अपने राज्य में कांग्रेस को जगह देना नहीं चाहती है, सीट बंटवारा नहीं करना चाहती। हाल ही में उन्होंने बयान भी दिया कि CPM और CPI को लेकर के कि हम यहाँ सीट बंटवारा नहीं कर सकते, लेकिन कांग्रेस जो है पहली बार अपने पोस्टर में उन्हें भी जगह दी है। वहीं पे देखिए उद्धव ठाकरे, साथ ही साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव जो है कल ही उनसे मुलाकात करने गए और कहा यह जा रहा था कि निमंत्रण के साथ साथ मनाने भी गए। उसके बगल में जो है केजरीवाल, जो दिल्ली में जगह नहीं देना चाहते हैं, बस हाल ही में उन्होंने पंजाब में कांग्रेस को हरा कर वहाँ अपना राज्य स्थापित किया, यानी वहाँ पे मुख्यमंत्री अपना बनाया। साथ ही साथ सपा, जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी इस तस्वीर में मौजूद हैं। और सबसे खास बात है कि लालू यादव जो सबसे बीच में हैं और उसके बगल में जो तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं उनकी जगह है, दीपंकर भट्टाचार्य हो या बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो या कांग्रेस के जो नेता है ये पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं मदन मोहन झा, उनके बगल में नए विधायक दल के नेता बने हैं शकील अहमद, वहीं पे भक्त चरण दास जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, और सबसे लास्ट में जो है जो तस्वीर लगी हुई है वो शरद पवार की है जो NCP के अध्यक्ष में, और सबसे नीचे जो तस्वीर है सबसे बड़ी तस्वीर है एक साइड में राहुल गांधी की है, वहीं दूसरी तस्वीर देखेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी तस्वीर दी गई। और सबसे नीचे की तस्वीर देखिएगा नीतीश कुमार हैं जो विपक्षी एकजुटता की मुहिम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। बगल में तेजस्वी यादव हैं, उसके बगल में वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी इस तस्वीर में मौजूद है। लेकिन ये तस्वीर जो है काफ़ी खास है, क्योंकि विपक्षी एकजुटता की बैठक है और कांग्रेस जिस तरह से जो है 12 जून की विपक्षी एकजुटता की बैठक को जो है रद्द किया गया, उसके बाद अगला डेट यानी 23 जून को लिया गया, अगले आने वाले 2 दिन बाद जो है विपक्षी एकजुटता की महा जुटान होने वाला है। उस जुटान से पहले कांग्रेस ने ये तस्वीर लगाकर बता दिया है कि विपक्षी एकजुटता की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं सफल होती नज़र आ रही है। नीतीश कुमार की मुहिम जो है वो अब जो है सफल दिखते नज़र आ रही है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो 23 जून की विपक्षी एकजुटता की बैठक होगी उसमें ये तमाम नेता शामिल होते हैं कि नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया टॉप न्यूज़। मैं हूँ कमलेश।